देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही अब जनपद में भी एक बार कोरोना ने दस्तक दे दी है। पूरा साल खत्म होने के समय दिसंबर में दो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और दोनों संक्रमित एक ही परिवार के हैं और वह सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं। जिसके संबंध में शिवो डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। शहर में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनका सैंपल RT-PCR के लिए भेज दिया गया है। उन्हें हल्की सर्दी जुकाम की शिकायत है जबकि दोनों को बुखार नहीं है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को सजगता के निर्देश दिए गए हैं और लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी चिकित्सालय पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने के लिए कहा गया है तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर 24 घंटे कोविड की जाँच की जा रही है तथा आशाओं को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि इस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सर्दी जुकाम खांसी सभी को हल्का होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए इधर 4-5 दिनों से लगातार निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है और इसी दौरान जो है दो पेशेंट जो है पॉजिटिव निकले हैं, उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दोनों मरीज वैसे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, घर पे ही रह के उनका उपचार किया जा रहा है। सजगता सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जितने भी चिकित्सालय हैं हमारे, सब जगह पर कोविड हेल्प डेस्क बनाने की बात कही गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर 24 घंटे जांच की जा रही है। आशा और एएनएम को निर्देशित किया गया है कि वो क्षेत्र में जाएं और जो ILI के मरीज हैं उन मरीजों का सैंपलिंग कराने के लिए कहें और जिस एरिया में ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं उस एरिया में विस्तृत जांच पत्र का इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती माताएं भीड़भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं और लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर जनपद में 90 से लेकर 98% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। 18 साल के ऊपर की पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। 60 साल के ऊपर के लोग 98% लोगों का हो चुका है और 36% से ज़्यादा लोग जो है प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं, जिसमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। जैसा कि प्रमाण है कि दो पेशेंट जो पॉजिटिव आए हैं दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो किसी सर्जरी के लिए संभवतः गए थे, वहाँ पर उनको जांच के लिए बताया गया था। जैसा कि हमारा आदेश भी है कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी कराने जा रहा है तो पहले कोविड की जांच कराए, तो उसी समय है। तो इसमें जुकाम बुखार जैसी हल्की सी तकलीफ होगी, ठीक हो जाएंगे, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। सजग रहें, सतर्क रहें और कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग आपके साथ लगा हुआ है।